आप देखती हैं, आंखें क्या सबसे पहला पैरामीटर होता है एक सरकार के लिए कि जीवन एक आरामदेह बने या अच्छा शहर रहे? यही जो आपने अभी सुना है, यही देखा जाता है कि पानी, बिजली, सड़क, स्कूल्स और हॉस्पिटल, मेडिकल केयर, ये पांच चीज तो बिल्कुल अवश्य है, बिल्कुल बेसिक है। आप किसी को रिसेटल कर दिया स्लम कॉलोनी से रिसेटलमेंट कॉलोनी, ये पांच चीज जब तक नहीं, आपको रिसेटल नहीं करना चाहिए। पर उससे लोगों की संतुष्टि नहीं बनेगी, क्योंकि वेस्ट का तो मुकाबला हमको करने में बहुत समय है, पर वेस्ट में ग्रोथ पोल्स, ग्रोथ सेंटर्स होते हैं, जहां पे आपने एक शहर ले लिया, उसकी पूरी सुविधा आपने प्लानिंग करके फिर लोगों को वहां बसाना शुरू कर दिया। यहाँ क्या है कि लोग कहेंगे मुझे गाजियाबाद नहीं रहना, वहां बिजली जाती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जिम्मेवारी जो है सरकार की, कोई बेसिक फैसिलिटीज देने की, वो हट के वो कुछ और में चल जाते हैं। यहाँ फ्लाईओवर है तो यहाँ भी फ्लाईओवर कर देते हैं। अच्छा, एक पब्लिक वॉइस की भी बात होती है। पहले तो जो शहर में रह रहे हैं उनकी आपने पूरी सुविधाएं नहीं दिए, और माइग्रेंट जो आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आपने प्लानिंग तो की नहीं है। अगर प्लानिंग नहीं की है तो फिर दोनों का एक उसी उसी बजट के ऊपर एक खिंचाव है। बिल्कुल रणदीप जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल। गुड़गांव को बसाया गया, बहुत बेहतरीन है, उसकी कामयाबी के लिए आपको श्रेय देते हैं आपकी सरकार को। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि अस्पताल ठीक से नहीं है, एक बार याद है मुझे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जब वहां पे मॉल्स बन गए थे तो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म सामने नहीं आया था। पानी की अगर हम बात को छोड़ दें तो जो बेसिक बुनियादी, एक तरफ हम शहर को सुंदर बनाने की बात जरूर देखते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है, लेकिन फिर और मूलभूत सुविधाएं आ जाती हैं वो अनदेखी उनकी रह जाती है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, गुड़गांव एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पर निजी क्षेत्र ने सरकार के साथ मिलकर भागीदारी दी शहर को बनाने में, और जिस प्रकार से गुड़गांव की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है दिल्ली के सैटेलाइट टाउन के तौर पे गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले में, वो भी बेहतरीन है। जैसा श्रीमती शैलजा जी अभी कह रही थी, केवल गुड़गांव ही क्यों, इमीडिएट पेरिफरी के लोग गुड़गांव तक ना आए और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव ना डालें, इसके लिए दो मेडिकल कॉलेजेस इमीडिएट विसिनिटी में मेवात के अंदर आ गए हैं। ठीक है नयन, मैं आपसे एक सवाल, आपके ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स नोएडा में जिस तरह, गुड़गांव में जिस तरह से आए, बिजली वहां पर दी नहीं गई, जनरेटर्स पर चलते हैं और जो लोग वहां पर रहते हैं उनको बहुत भारी भरकम बिल देना पड़ता है। तो ये इसको मैं एक गुड़गांव की इशू नहीं मानता, इसको पूरे इंडिया की इशू मानता हूँ कि अगर पूरे इंडिया में ही एक डेफिसिट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कहाँ से आएगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं तो फिर क्या क्या आज शैलजा जी, ऐसे में बिल्डिंग बनाने का या बिल क्लियरेंस होना चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली, इस वक्त दिल्ली में कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए जल बोर्ड से बिल्डिंग बनाने में। सैंक्शन हो जाता है प्लान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, फिर पता चलता है पानी नहीं है और आपने परमिशन नहीं ली। मैंने पूछा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि क्यों नहीं आप सैंक्शन के पहले जल बोर्ड से, क्योंकि वो दूसरी एजेंसी है, हमें लेना देना नहीं है। वो करप्शन कहो या लापरवाही कहो, पर अगर ये तालमेल ही नहीं है तो फिर सुविधा तब पता चलेगी असुविधा जब आपको। वसंत विहार जैसे लोकैलिटी आप ले लो, बिल्कुल पॉश लोकैलिटी और बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं क्योंकि पानी नहीं है। सिद्धार्थ, ऑल दिस इशू अबाउट सुवेज एंड वाटर इज हैपनिंग बिकॉज हम लोग जो जमीन चुन रहे हैं वो गलत चुन रहे हैं। हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग फ्लैट लैंड पे बनाएंगे तो वी आर ऑन अ बेटर साइड, इट इज चीपर, इट इज बेटर, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। हम लोग को बनाना चाहिए ऑन वेस्ट लैंड जिसमें अंडुलेटिंग टेरेन होता है, सो दैट व्हेन यू कम डाउन टू योर, व्हेन इट कम्स डाउन टू योर सुवेज, व्हिच अगेन जो सब बोल रहे हैं सुवेज इज एन इशू, सुवेज इज एन इशू क्योंकि हम लोग ने सेंट्रलाइज सुवेज किया है। हम लोग पूरा सुवेज कलेक्ट करते हैं एंड टू टेक दिस सुवेज यू नीड एक्स्ट्रा वाटर, बट इफ यू हैव डिसेंट्रलाइज सुवेज सिस्टम जो छोटे छोटे उसमें हो जाए तो यू डोंट हैव टू पुट सो मच वाटर इन इट। यहाँ पर एक डेटा मैं ले लेती हूँ, 24 घंटे बिजली जो डेटा हमारे सामने आया, 15 से 20 घंटे मिल रही है 18%, 20 घंटे से ज्यादा मिल रही है 32%, 24 घंटे 44%। तो बिजली की समस्या हमारे देश में है ही। कुमार विश्वास, दिल्ली में जो अब एटलीस्ट सरकार ये तो कह सकते हैं कि बिजली लगातार मिल रही है, हालांकि कटौती की बात भी होती है, लेकिन बिजली बिल भी समस्या लोगों के लिए बनी हुई है।
उस पर तुम लगातार बात कर रहे हैं, जो डीआरईसी के चेयरमैन थे बृजिंदर सिंह जी, उन्होंने बाकायदा बताया था किस तरह बिजली बिल बेईमानी में लगे हुए हैं और किस तरह बिजली की जो कंपनियां हैं वो सरकार के साथ मिलकर लूट रही हैं। मैं जैसे मिस्टर थरेदा ने अभी बताया कि 4000 फ्लैट बने हुए हैं और वहां तक आपको एक्सेस नहीं मिला या वहां तक लाइट नहीं मिली, ये दुनिया के किसी मुल्क में और जगह संभव है? मिस्टर महेश योगी गए थे डेनमार्क के, वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ उनकी शिष्या थी, उन्होंने कहा साहब इस गांव में मुझे ये बनाना है, जरा परमिशन दिला दीजिए। बोले गांव वालों से लीजिए साहब, वही देंगे परमिशन। उन्होंने कहा आप तो प्रेसिडेंट है। बोले प्रेसिडेंट मैं हूं लेकिन देंगे गांव वाले। गांव वालों को 1.5 साल एजुकेट करना पड़ा कि मैं यहां एक आयुर्वेद का सिस्टम बनाना चाहता हूं, तब गांव वालों ने कहा ठीक है पहले ये करो फिर बनाओ। ये यही संभव है, क्योंकि वो मिस्टर थरेजा है और वो मिस्टर मंत्री जी है, आराम से हो सकता है। अब जब था नहीं आपके पास तो बना कैसे? तो 4000 लोग कहां जाए? निधि देखिए एनडीटीवी एक बहुत ही बढ़िया हब है अच्छी बहस करने का, सोबर सभ्य सी ऐसा हो रहा है, अंग्रेजी में बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है। बेसिक समस्या यह है कि इस देश के आम आदमी को 10% लोग मिलकर लूट रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो नौकरशाही में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। और इसका बेसिक कॉज जो आपके डेटा में आया वो है करप्शन, कि करप्शन नहीं मिट रहा है। बाकी आप करते रहिए। गांव में आपने कभी देखा कूड़ा खराब हुआ? गांव के लोग भी तो सैनिटेशन में जाते होंगे, गांव के लोगों का तो कूड़ा निकलता है। आपने किसी गांव में महामारी देखी साहब? कूड़ा फैलने से महामारी हो गई, यहां डेंगू से महामारी हो गई। इसे कह रही है शीला दीक्षित कि मैंने न्यूयॉर्क बना दिया। अगर न्यूयॉर्क ऐसा है तो लोग न्यूयॉर्क छोड़ के भाग जाएं। लेकिन यहाँ पे बात एक तरफ आरोप की बात होती है, प्रत्यारोप की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ साफ सफाई की बात भी आती है। शैलजा जी ने भी बोला जो गार्बेज की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, सरकार को हम भले कोस लें, सरकार साफ है कि सरकार भी काम नहीं कर रही होगी, लेकिन हम लोग भी तो कूड़ा करते हैं, हम लोग भी तो कूड़ा गिराते हैं। तो साफ सफाई के लिए अगर डेंगू है, हमारी भी एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट करी थी जिस तरह से बड़े घर हैं छोटे घर हैं, लोग जो एमसीडी के लोग धुआं के लिए जाते हैं इन पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए, वो अंदर नहीं आने देते। तो मैं इसमें एक चीज लाना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप से हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पे राय लेने की जरूरत है, युवाओं की राय लेने की जरूरत है, किस तरह से हमें अपने शहरों को बदलना है। और वाकई में जब तक हम लोग खुद काम नहीं करेंगे ये बदलने वाला नहीं है, आरोप लगाने से काम अभी चलेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, क्या हमें कदम लेने होंगे, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच सही है, हम ये देख पाते हैं। आज के नजरिया हमारा ऐसा है कि हम ये देख पाते हैं कि क्या चीजें हमें बदलनी चाहिए, चाहे फिर वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो हमारी सड़कें हो, चाहे हमारी बेसिक लिविंग हो, इन सब चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। वोट का दम में एक बार फिर से हाजिर है। पानी की बात करेंगे और आपका वोट जो युवाओं का वोट है वो कितना मायने रखेगा ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले पानी की समस्या। अभी भी इलाहाबाद में जो पॉश इलाके हैं वहां पे भी कम से कम 18-18 घंटे की बिजली कटौती होती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो सड़क की चाहे हाल हो, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, हमें निगरानी रखने की जरूरत है और हमें अपनी अथॉरिटीज के क्वेश्चन करने की जरूरत है कि हमें क्यों नहीं मिल रही है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, पानी की प्रॉब्लम दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, हरे फ्लैग्स उठाइए अगर है तो। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम सिर्फ कमी तक ही सीमित नहीं है, जिसके लिए हमें टैंकर बुलाने पड़ते हैं हर दूसरे दिन, जिसके लिए आजकल वो पैसे भी मांगने लग गए हैं, पर उस तक भी जाती है कि लोग आते हैं पानी की समस्या ठीक करने के लिए, खोद के जाते हैं पाइपों के लिए, पर उस पे जब खोद देते हैं कोई भरने के लिए नहीं आता उसे, और बारिश से पूरे पॉट होल बन जाते हैं और उसमें गाड़ियां अटक जाती है कभी कभार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ रोज, तो वहाँ पे पूरे मेट्रो में एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं शीला दीक्षित के, वहाँ पे लगे होते हैं हमने 4000 किलोमीटर पाइपलाइन एक्सटेंड किया है, हमने 1000 था हमने उसको 4000 कर दिया, ये है। और सामने बात आती है कि पानी नहीं मिल रहा है और नीचे टैगलाइन लिखा होता है यहाँ विकास दिखता है। मैं सिर्फ हम युवाओं की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं स्लम्स को भी देखना चाहूंगा, जिस तरह हमें पानी नहीं मिलता उनके साथ और भी बुरे कंडीशंस हैं, बिकॉज जब हम उनसे हम कॉलेज के थ्रू उनके पास गए बातचीत के लिए, तो वहां हमें पता लगा कि एक ही टैंकर है जिसमें वही सब पशु और वो भी पानी पीते हैं और उसी से ही उनको पानी भर के नहाना भी पड़ता है, उसी से ही पीना पड़ता है। तो एटलीस्ट अगर हमें इतनी सेफ्टी है कि हमारी जान पे नहीं बनी आती, लेकिन कई
जगह हालत इतनी बुरी है कि शायद वो पानी पी के लोग मर भी सकते हैं। अगर इस देश को बदलना है तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए। कॉर्पोरेट लोग आज इंडिया में क्या नहीं है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पूरी दुनिया डालने के लिए तैयार है और मेहनती लोग हैं और यंग अकलमंद बच्चे हैं, सब कुछ है इंडिया में, तो क्यों नहीं हो सकती सारी चीज, क्यों नहीं बदल सकती। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, कंपनी इज नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्री। शैलजा जी, पानी की प्रॉब्लम, दिल्ली में गंदा पानी आता है, साफ होता ही नहीं, मिलता भी नहीं है लोगों को, क्यों ये समस्या ठीक नहीं हो पा रही है? देखिए, एनडीएमसी एरिया को 5 गुना पानी मिलता है किसी और इलाके को देख के, क्योंकि वहां पे एमपीज, ब्यूरोक्रेट सब कुछ है। आप कहेंगे सारे तो कैपिटल में तो यही होना है ऑब्वियसली, बट इज इट सो ऑब्वियस? ईस्ट को पानी मिलता है, नॉर्थ को पानी मिलता है, साउथ साउथ वेस्ट को बिल्कुल नहीं मिलता है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलता है। एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, मोहल्ला कमिटीज जो है, उनको कुछ तो लीगल स्टेटस देने पड़ेगा ताकि वो अपने छोटे पैमाने पर ही कर सके। ये नहीं कि 1 लाख लोग और 2 लाख लोग, 5,000 लोग, 6,000 लोगों के लिए सोच सकते हैं। उत्तम नगर में टैंकर जाते हैं, उस टैंकर के नीचे अभी तक 8 बच्चे मर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जहां रहते हैं वह 70 टैंकर के नीचे आके मर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जहां रहते हैं वह 70,000 लीटर डेली पानी खर्च होता है। एक लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने कहा खाना कम है तो मेरा पूरा घर एक दिन भूखा रहेगा हफ्ते में, ताकि खाना देश को मिल सके, पूरे देश ने। तो हम यहां से चल के यहां तक आए हैं। अगर ये विकास है जो मंत्री जी कह रहे थे, अगर ये विकास है तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग अंधे हो गए। इस विकास का अच्छा, बस अब आखिर में एक सवाल, क्योंकि इस कार्यक्रम आपके वोट का दम है, क्या आप लोगों का वोट आप लोग असर करेगा? क्या आप लोग वोट देंगे जो स्थिति है आपके शहर की उसको ध्यान में रखते हुए? वी एज इंडियंस, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, हम वी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट लाइक 30% हम इस देश की जनता में, एज इन हम बहुत पार्ट है, तो ऑब्वियसली हम वोट करेंगे, फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक, हमें जरूर डेफिनेटली करना चाहिए, रादर जरूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारे एक वोट से जरूर है कि कोई चेंज आ जाए और चेंज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे एक एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमें सबको वोट देना चाहिए एज अ सिटीजन, ये हमारा राइट है और हमें इसे यूज करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, जरूर वोट करें। तो डेटा जाने से पहले बता देती हूँ, क्या आपका वोट बदलाव लाएगा? हाँ।